मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। अभी हम हिसार में हांसी के पुलिस कार्यालय के सामने हैं, जहां पे हजारों की संख्या में जो है किसानों ने यहां डेरा डाला हुआ है। इस प्रदर्शन की पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताऊं तो यहां पे कुछ दिन पहले रामचंद्र जांगड़ा जो भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं, उनका किसानों ने घेराव किया था। और इस दौरान जो है एक किसान को कथित तौर पर जो है जांगड़ा के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके द्वारा चोटिल किया गया था। किसान यहाँ पर यह मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने किसान को चोटिल किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। साथ ही साथ जो अन्य किसान हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ जो FIR जो दर्ज हुई थी वो जो है खारिज की जाए। इस अगर हम पूरे प्रदर्शन को देखते हैं तो एक व्यापक रोष समझ में आता है, और इसी रोष को समझने के लिए हमने यहाँ पे कुछ किसानों से बातचीत की है, सुनिए। जो केंद्रीय कैबिनेट है, हमारी मंत्रिमंडल है, जो प्रधानमंत्री जी का मंत्रिमंडल है, उस स्तर तक हमारी बात जो है एक कम्युनिकेशन गैप हम समझते हैं कि अगर ये लोग अब अलर्ट रहते, ये लोग जनता की किसानों की भावना को समझते, हमारी बात वहां तक पहुंच पाती तो जो हमारे ऊपर ये कानून थोपे गए हैं, जो लोकतंत्र विरोधी किसानी विरोधी जो कानून है, ये पारित होने की नौबत नहीं आती। अगर ये लोग सतर्क रहते तो हमारा यही जो उद्देश्य रहा है कि आगे पीछे आप सतर्क नहीं रहे, आगे सतर्क रहिए, कम से कम हमारी बात वहां तक पहुंचाइए। आपकी ये जिम्मेवारी है, आपका फर्ज बनता है, आप लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं हमारे जनता के, आपका फर्ज बनता है। जब तक आप हमारी बात वहां पूरी जो है मजबूती से वहां नहीं रखेंगे और हमारी बात जो डिमांड है हमारी नहीं मानी जाती, तब तक हम लोग आप लोगों का विरोध करते रहेंगे। जो बीजेपी लीडर्स का रवैया है वो हरियाणा के अंदर उन्माद फैलाना चाहते हैं। वो रोष है कि जो किसान हैं उन्होंने एक अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन का रास्ता अपना लिया है, वो सिर्फ काले झंडे दिखाने के लिए सड़क के साइडों में खड़े होते हैं, प्रशासन को पूरा सहयोग करते हैं, उसके बावजूद इनके प्राइवेट PSO हमला कर रहे हैं किसानों के ऊपर, तो वो निंदनीय है। उस चीज का रोष है कि ये क्या क्या स्थिति हरियाणा में इन्होंने पैदा कर दी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, 5 तारीख को नारनौंद जिला हिसार के अंदर नारनौंद में पहुंच रहे थे। उनका कोई कार्यक्रम था, इनवाइट किया था जिन्होंने, उसको बुलाया था MP साहब को, जिन्होंने बुलाया था रामचंद्र जांगड़ा को। हमने उनसे बात की पहले सुबह जा करके कि हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम सामाजिक जो सौहार्दपूर्ण ताना बना है, हम आपका भाईचारा हम आपसे यूं ही बरकरार रखना चाहते हैं। जिस तरह से आपके समाज का इस आंदोलन की शुरुआत से ही हमें सहयोग रहा है और बढ़ चढ़ कर आप लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो ऑनगोइंग आंदोलन है इसमें जो हमारा जिस तरीके से हम इन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का विरोध करते आ रहे हैं, जब तक हमारा आंदोलन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता, हमारा आप सहयोग कीजिए और इन बीजेपी एमपी को आप मत बुलाइए। हमारी बात उन्होंने सुनी, लेकिन सुनकर भी अनसुना करते हुए जो है उन्होंने हमारा जो रिक्वेस्ट थी उसको मंजूर नहीं किया। आपको जानकारी है कि पिछले 11.5 महीने से जो है किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, और संयुक्त किसान मोर्चा का ये निर्णय है कि बीजेपी और JJP के नेता जहां भी कोई भी उनका राजनीतिक और सरकारी कार्यक्रम होगा उसका जो है विरोध किया जाएगा। उसी के तहत जो है नारनौंद के अंदर भी सांसद हैं जो बीजेपी के रामचंद्र जांगड़ा, उनके विरोध का कार्यक्रम था, और ये बिल्कुल जो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, और उस विरोध के दौरान जो है सांसद के गुंडों के द्वारा जो है हमारे किसान साथियों के ऊपर हमला किया गया, जिसमें हमारा एक भाई कुलदीप जो है वो आज भी जो है जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और वो जिंदल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। उसके बाद जो है इस घटना के खिलाफ, और क्योंकि वो बेहोश हो गए थे वहां पे गिर गए थे, उसके बाद से जो इस बात को लेके कि जिन्होंने ये हमला किया है उन गुंडों के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया जाए, दूसरा उन पर मुकदमा दर्ज करने की बजाय पुलिस प्रशासन ने जो है किसानों के ऊपर ही झूठा मुकदमा बना दिया कई साथियों के ऊपर, तो उसके बाद से जो है नारनौंद थाना के अंदर धरना लगाया गया, बड़ी लामबंदियां वहां पे की गई, और पूरा जो है इस प्रकरण को जो है भाजपा की जो सरकार है वो एक जातीय रंग देने की कोशिश कर रही है। देखो ये टूल होता है पॉलिटिक्स में, ये टूल होता है। हरियाणा के अंदर क्या है, हरियाणा के अंदर एक बहुत ही बड़ा हवा चला दिया गया जाट नॉन जाट का, मतलब ये मतलब बीजेपी ने ये किया है,
तो बाकी जनता को ये क्या करते हैं कि ये ऐसा माहौल बना के तनावपूर्ण, मिलिट्री लगा दी, पुलिस लगा दी, भय का माहौल क्रिएट करते हैं, उससे इनका वोट पोलराइज होता है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि बाकी जनता ये क्यों नहीं समझ पा रही है कि किसी बिरादरी, क्या आप जातिवाद में विश्वास करते हो जो बीजेपी के इस टूल से प्रभावित हो जाते हो? क्या आप विश्वास करते हो? आप जातिवादी हो? अगर हो तो बता दीजिए, क्लियर बता दीजिए कि हम जातिवादी हैं और हम इस जाति से नफरत करते हैं, ये कह दीजिए। किसानों से आपको नफरत है तो अपनी दुकानों पे बोर्ड लगा दीजिए कि किसान हमारी दुकान पे ना चढ़े। एक बिरादरी, किसी बिरादरी से दिक्कत है तो वो लिख दो दुकान के आगे कि ये बिरादरी वाले हमारी दुकान पे ना चढ़े। आपको चाहिए भी, आपको नहीं भी चाहिए, ये हो क्या रहा है? और सरकारें ऐसा करती हैं, राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं, लेकिन क्या जनता को समझ नहीं जाना चाहिए ये हो क्या रहा है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल साफ करूं, जहां पर फैक्टर हिंदू मुस्लिम है, उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो बीजेपी की पॉलिसी है हिंदू और मुस्लिम। जहां पर हिंदू मुस्लिम फैक्टर नहीं है वहां पर रहेगा कास्टिज्म। हरियाणा की बात करो, जाट नॉन जाट की बात करेंगे, आप गुजरात में चले जाओ पटेल नॉन पटेल की बात करेंगे, आप महाराष्ट्र में चले जाओ मराठा नॉन मराठा की बात करेंगे। तो बेसिकली ये आंदोलन 36 बिरादरियों और सभी धर्मों का आंदोलन है। इस आंदोलन में आपने देखा होगा कि लंगर खिलाने का काम मुस्लिम भी कर रहे हैं, सिख भी कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आप कवरिंग करने आए हो, आप वन बाय वन देख लीजिए। हो सकता है कि बहुमत यहाँ पर एक जाति विशेष का हो, लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो जाति विशेष इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये आंदोलन हर उस किसान मजदूर का आंदोलन है जो कमेरा है, जो अपनी मेहनत के माध्यम से अपने पेट को पालने का काम कर रहा है। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि बेसिकली इन दिस मोमेंट Our culture is agriculture, but BJP culture is divide and rule policy on the basis of casteism, on the basis of statism, on the basis of religionism. तो मैं समझता हूँ कि इस आंदोलन में सभी जातियों का, सभी धर्मों का इन्वॉल्वमेंट है और ये टीका टिप्पणी अलग अलग माध्यम से करवाने का काम किया जा रहा है। जय मैं मर जाता के मेरे हिंद के सुनने परचे हो जाएंगे मेरे जैसे वीर भगत सिंह और वतीरे